अलैक्म क्वेशन नंबर वन हम करेंगे आज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन ये क्लास टेंज्जट मैथमेटिक्स तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आफताब हज डॉटर सेवन यो आई वाज से टाइम्स एज ओल्ड एज यू वायर दैन आल्सो थ्री इयर्स फ्राम नाउ आई शल बी थ्री टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रजेंट दिस सिचुएशन एलजब्रिकली एंड ग्रेफिकली तो यहाँ पर हमें आफ्ताब टैलज इज डॉटर आफ्टर अपनी डॉटर से कहता है सेवन ईयर्स एगो सेवन ईयर्स तो पहली सिचुएशन क्या है सेवन ईयर्स एगो एगो जब होता है तो इसमें माइनस होगा और आफ्टर जब होगा तो इसमें प्लस होगा आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू मेरी उम्र जितनी थी ये आपकी उम्र से सेवन टाइम्स ज़्यादा थी और तीन साल के बाद आल्सो थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ तीन साल के बाद आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल मैं क्या हो मेरी उम्र कितनी होगी आपकी उम्र से थ्री टाइम ज्यादा यानी प्लस तो इसको पहले हमें एल्जेबेकली सॉल्व करना है उसके बाद ग्राफिकली तो क्वेश्चन आप खुद बुक पर देख सकते हो पहले क्या लिखेंगे हम लेट लेट द प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट Age of, of the BX years and the present age of his daughter BY years. क्योंकि ये चैप्टर जो है ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स के बारे में है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में हमें जनरल फार्मूला बारे में हमें, हमें क्या फार्मूला होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये जनरल फार्मूला फॉर लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे मैंने सपोज किया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ दी एक्सर्स एंड द प्रजेंट एज ऑफ़ हिज डॉटर बी वाई ईर्स तो अब मैं सचुएशन देखूंगा क्या है क्वेश्चन के मुताबिक सेवन ईयर्स एगो सेवन ईयर्स एगो एगो जगह होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उम्र इस वक्त पंद्रह साल है तो अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि पाँच साल पहले आपकी उम्र कितनी थी तो आप बताओगे 15 माइनस फाइव दैट इज टेन ईयर्स इसी तरह यहां भी है अगर इसकी एज एक्स है आफ्ताब की और इसके डॉटर की एज न, वाई है सेवन ईयर्स एगो दैन सेवन ईयर्स एगो सेवन इयर्स एगो आफ्ताब एज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन इयर्स साथ लिखना इसी तरह हम लिखेंगे सेवन इयर्स एगो हिज डॉटर्स एज वाई माइनस सेवन ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि जितनी एज आफ्ताब की है देखो ये एज आफ्ताब की और इसकी एज किसके बराबर होगी सेवन टाइम्स ऑफ हिज डॉटर फॉर एग्जाम्पल अगर आफ्ताब की एज अगर डॉटर की एज टेन ईयर्स होगी तो आफ्ताब की एज इसमें आ गए सेवन इन टू टेन इयर्स तो ये इसमें पहली कंडीशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम एक्स माइनस सेवन एकवल टू सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन विच एम्प्लाइज दैट एक्स इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस सेवन वाई माइनस सेवन ये अपनी जगह रहेगा ये भी ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू तो जीरो इज दैट एक्स माइनस सेवन वाई प्लस इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है और यहां पे ये पॉजिटिव है तो यहां में आएगा फोर्टी टू इक्वल टू जीरो हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई ये पहली कंडीशन है यहाँ पे ये ये पहली कंडीशन है अब जो दूसरी कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या है

तो आज के बाद तीन साल जब आप, आपकी एज देखेंगे तो वो फिफ्टीन प्लस थ्री डेट इज एटीन ईयर्स इसी तरह यहाँ भी है थ्री ईर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ईयर्स एंड थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ हिज़ डाटर्स एज ट इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री इतेंगे तो इसमें जो दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि आफ्ताब की एज किसके बराबर होगी थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज डाटर यहाँ भी थी आफ्ताब की ऐज सेवन टाइम्स उसकी डाटर के ऐज से ज़्यादा होगी और यहाँ आफ्ताब की ऐज थ्री टाइम्स उसकी डॉटर की ऐज से ज़्यादा होगी विच इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन विच इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस थ्री तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे माइनस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो विच इम्पलाइज दैट एक्स माइनस थ्री वाई इसको तो ऑर्डर में लिखेंगे नाइन में से थ्री काटेंगे इट इज माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई सो दिस इज द एल्जब्रिक फॉर्म ये जो दो इसकी कंडीशन हैं, दो शक्लें हैं ये एल्जब्रिक फॉर्म है यहाँ पर हम लिखेंगे एल्जब्रिक फॉर्म तो इसके बाद इसमें हमें इसी क्वेश्चन को लेकर हमें इसकी जम ग्राफिकल सिचुएशन को इसको इसमें इसको सॉल्व करना है तो ग्राफिकल सिचुएशन क्या है इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे क्योंकि यहाँ इसको डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए जो दूसर, दूसरा जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें हम इसका ग्राफ निकालेंगे खुदा